हेलो गाइस, मैं अंकिर। सो आज के वीडियो में हम जीएच रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग विच इज लोकेटेड इन नागपुर, इस कॉलेज का हम रिव्यू करेंगे। तो ये वीडियो में हम देखेंगे कि ये कॉलेज आपको प्लेसमेंट कैसा दे रहा है, ये कॉलेज का फीस कैसा है, कॉलेज में कौन कौन से रिक्रूटर्स आते हैं, कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटीज आपको देखने मिलेंगी एंड कौन कौन से कोर्सेस है जो आपको कॉलेज ये प्रोवाइड करेगा। सो यस गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं गाइस कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस कॉलेज। तो दिस कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर 1996। अब एस्टेब्लिशमेंट ईयर देना इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अब एस्टेब्लिशमेंट ईयर जो है आपका इसके लिए देना इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जितना आपका कॉलेज पुराना होगा उतना उस कॉलेज का रेप्यूटेशन अच्छा होगा, उतना कॉलेज वो वेल एस्टेब्लिश्ड होगा। सो यस, दिस कॉलेज इज लाइक वेल एस्टेब्लिश्ड कॉलेज। 1996 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ इसका। इट इज लोकेटेड इन नागपुर, ऑटोनॉमस कॉलेज है ये। इट इज अफिलियेटेड टू राष्ट्रसंत तुकाडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी। तो ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके एग्जाम के डेट्स होंगे, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस, वो कॉलेज खुद डिसाइड करेगा। और कॉलेज जो है आपका अफिलियेटेड है ये यूनिवर्सिटी से, नागपुर यूनिवर्सिटी से। तो जब भी आपको आपका डिग्री मिलेगा तो आपका जो डिग्री होगा उस पर लिखा होगा कि यस, दिस कॉलेज वॉज अफिलियेटेड विद नागपुर यूनिवर्सिटी। अनएडेड कॉलेज है, तो अनएडेड का मतलब ये है कि जो भी आपको कॉलेज चलाने के लिए फंड्स लगेंगे, डे टू डे करिकुलम चलाने के लिए फंड्स लगेंगे, वो ये कॉलेज खुद से करता है। कॉलेज कोई भी गवर्नमेंट से हेल्प नहीं लेता है, तो इसके लिए अनएडेड कॉलेज है। एंड ऑल्सो एडेड कॉलेज आर मोस्टली गवर्नमेंट कॉलेज, ये जो कॉलेज है वो है प्राइवेट कॉलेज। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है फॉर हिंदी, तो यहाँ पर लैंग्वेज का माइनॉरिटी है फॉर हिंदी स्टूडेंट। तो इसका मतलब ये है कि 51% ऑफ द सीट्स होंगे जो वो अलॉटेड होंगे फॉर हिंदी माइनॉरिटी स्टूडेंट। प्रोवाइड्स बीटेक डिग्री, अभी आपको बीटेक डिग्री प्रोवाइड कर रहा है। तो काफी सारे लाइक महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो काफी कम कॉलेज है जो बीटेक डिग्री प्रोवाइड करते हैं, ये आपको बीटेक डिग्री प्रोवाइड कर रहा है, विच इज अ गुड थिंग। मोस्ट ऑफ द कॉलेज होते हैं वो बी डिग्री प्रोवाइड करते हैं, बट एज सच कोई डिफरेंस नहीं है बीई और बीटेक डिग्री में। AICTE अप्रूव्ड बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, तो जो आपका डिग्री है यहाँ पर वो AICTE के द्वारा अप्रूव्ड है। टोटल नंबर ऑफ सीट जो है इस कॉलेज में वो है 1140 सीट्स। सो यस, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज ये कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन IoT विच इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन ओनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस। सो ये सारे कोर्सेस है गाइस, लाइक काफी ज्यादा कोर्सेस है इस कॉलेज में। एंड अगर हम देखें तो कंप्यूटर रिलेटेड यहाँ पर आपके 4 कोर्सेस है एंड यहाँ पर आपके 2 लाइक 3, तो 7 कोर्सेज जो है वो आपके कंप्यूटर के फील्ड से ही रिलेटेड है, राइट। एंड ऑल्सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स भी है यहाँ पर। तो लाइक सीट जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द सीट जो है वो कंप्यूटर रिलेटेड के सीट्स के लिए एलोकेटेड किए गए हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, कट ऑफ देखते हैं, हम जितने भी कोर्सेज देखे उनके क्या कट ऑफ थे वो अब हम देख लेते हैं। तो हम 2021 और 2022 जो कि हाल ही में MSCCT हुआ उनका क्या कट ऑफ था ये लास्ट 2 ईयर्स का वो हम देखेंगे। लास्ट 2 ईयर्स का इसके लिए कट ऑफ दे रहा हूँ क्योंकि कंपैरिजन करने में आपको आसानी होगा और इससे ये पता चलता है कि जो आपका कंपटीशन है कॉलेज में वो बढ़ा या घटा है, प्लेसमेंट जो है वो अच्छा गया या नहीं गया। तो 2 साल का कट ऑफ जो है इसके लिए मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में अगर हम देखें तो 88 था, इट बिकेम 90, 2 परसेंटाइल और 1.3 परसेंटाइल का हमें इंक्रीज देखने मिला। IT का अगर हम देखें तो 85 से 87 हुआ है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 82.4 से 83.4 हुआ है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन IoT इट हैज बिकेम वो 79.5 से 80.8 हो चुका है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर हम देखें तो 58.2 से 61.2 हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आपका 76.1 से 78.6 हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आपका 76.5 से 68.5 हो गया है।
सिविल इंजीनियरिंग 45 से 33 हो गया, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर 12 परसेंटाइल का डिक्रीज देखने मिल रहा है। तो सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसा होगा ब्रांच जो कि आप 2023 का कट ऑफ देख के कंपेयर कर सकते हो कि मुझे ये ब्रांच में लेना है या नहीं। अगर बढ़ रहा है कट ऑफ तो आप ले सकते हो, बट अगर डिक्रीज या यही रेंज में आपको दिखने मिल रहा है तो आप सिविल इंजीनियरिंग के लिए कोई दूसरा कॉलेज देख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम देखें मैकेनिकल, 44.8 से 45.9 हुआ है। सो मैकेनिकल में हमें लाइक वही रेंज देखने मिले, 1 परसेंटाइल का हमें इंक्रीज भी देखने मिल रहा है, और ये जो है दिस इंडिकेट्स गुड, एंड ये जो है इट इज अ गुड थिंग बिकॉज मैकेनिकल का जो है मोस्टली 10 या 12 परसेंटाइल हमें डिक्रीज देखने मिला 2022 में एज कम्पेयर टू 2021। बट यहाँ पर आपका जो है 45.9 हो चुका है फ्रॉम 44.8, तो वही रेंज में, और रेंज में वही है और 1 परसेंटाइल इंक्रीज भी हमें देखने मिला है। सो यस, दिस इज अ गुड थिंग। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन AI एंड ML अगर हम देखें तो 85.6 हो गया फ्रॉम 84.9। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डस बिकेम 80.84 फ्रॉम 80.8। एंड डाटा साइंस का अगर हम देखें तो 77.3 से 82.4 हो चुका है वो। एंड यस गाइस, दिस वेयर कट ऑफ। तो सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसा ब्रांच होगा जो कि मैं आपको बोलूंगा कि आप अवॉइड कर सकते हो, बाकी सारे जितने भी ब्रांचेस है उनका जो कट ऑफ है वो इंक्रीज ही हमें देखने मिला है। तो ये कट ऑफ वाइज अगर हम देखें, कॉलेज को अगर जज ही करना है कट ऑफ वाइज, देन कॉलेज इज गुड इन टर्म्स ऑफ कट ऑफ। नेक्स्ट अगर हम देखें सीट डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमने देखा कि टोटल 1000 कुछ सीट्स है, तो कैसे सीट्स एलोकेट किए गए हैं वो अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें सिविल इंजीनियरिंग के लिए टोटल है 90 सीट्स, माइनॉरिटी सीट्स है 46। तो जैसा कि मैंने आपको बोला 51% ऑफ द सीट्स जो होंगे वो एलोकेटेड होंगे फॉर हिंदी माइनॉरिटी स्टूडेंट, तो यहाँ पर 90 का 51% इज 46, तो 46 सीट जो है वो माइनॉरिटी सीट्स है। कैप सीट्स है आपके टोटल 90, यहाँ पर इंस्टीट्यूट सीट 0 है, बिकॉज इंस्टीट्यूट सीट्स होता क्या है कि आपको ये पता होगा मैनेजमेंट कोटा कि मार्क्स अगर भले ही आपका आया है या नहीं, आप डोनेशन भर के एडमिशन ले सकते हो उस कॉलेज में, तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट सीट जो है वो 0 है। नेक्स्ट अगर हम देखें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो वो सिविल इंजीनियरिंग के लिए ही था आई गेस इंस्टीट्यूट सीट 0, बट जैसे जैसे आपका कंप्यूटर ये सारी चीजें आते रहेंगे इंस्टीट्यूट सीट्स आपको देखने मिलेगा, क्योंकि कॉलेज जो है वो ये इंस्टीट्यूट सीट्स के द्वारा ही उनका अर्निंग होता है मेजॉरिटी। सो यस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 180 सीट्स, कैप सीट्स है 144, माइनॉरिटी सीट्स है 92 एंड इंस्टीट्यूट सीट्स है 36। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड साइबर सिक्योरिटी टोटल है यहाँ पर 60 सीट्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड IoT इसमें भी है 60 सीट्स, इलेक्ट्रिकल में भी आपका 60 सीट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में भी है 60 सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में भी है 60 सीट्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है टोटल 90 सीट्स, यहाँ पर है नो इंस्टीट्यूट सीट्स। तो कोर ब्रांचेस में आपके इंस्टीट्यूट सीट्स आपको देखने नहीं मिलेंगे। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, इसमें भी है आपके 48 सीट्स, टोटल है 60 सीट्स, कैप सीट्स है आपके 48। नेक्स्ट अगर हम देखें डाटा साइंस में है आपके 60 सीट्स, कैप सीट्स है 54। एंड यस, दिस वेयर सीट डिस्ट्रीब्यूशन गाइस, हम देख सकते हैं कि आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग विच इज सिंपल कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड IT उसमें ज्यादा सीट्स है, और बाकी जो भी आपके सब ब्रांचेस है जैसे AI ML डाटा साइंस उसमें है टोटल आपके 60-90 सीट्स। ऐसे फी स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो फीस आपका फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का इसी साल का जो कि 2022 और 2023, ये यहाँ पर एक स्मॉल मिस्टेक है, जो 2022 और 2023 में फर्स्ट ईयर है उनका फीस था 1,52,710 रुपीज, तो इसके हिसाब से आपका जो 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम हो जाएगा वो अप्रोक्सीमेटली 6.08 लाख रुपीज हो जाएगा। तो अगर आपको और डिटेल में फीस जानना है कि SC ST OBC के लिए क्या है फीस, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ओपन के लिए आपका फीस ये 1,52,000 फॉर SC ST स्केड्यूल कास्ट एंड स्केड्यूल ट्राइब। इसके लिए यहाँ पर अगर आप देखें तो 17,000 है फीस, फॉर VJNT इट इज 35, OBC के लिए 94,000, TFWS के लिए 35,000 एंड फॉर जम्मू एंड कश्मीर कोटा इट इज 6,000। सो यस, ये है आपका फीस स्ट्रक्चर गाइस, 1.5 लाख इज योर फीस फॉर ईयर। एंड अगर हम देखें ये जो है आपका इनकम लिमिट की SC ST अगर आपका 2.5 लाख के अबाव और OBC का बिलो 1 लाख है तो ही आपका जो फीस है वो ये होगा, अदरवाइज फीस फॉर ऑल द कैटेगरी इज
1,52,000 रुपीज। तो ये जो है वो इम्पोर्टेंट चीज है नोट करने के लिए। वैसे आप एडमिशन जब आप लेने जाओगे तो आपको बता दिया जाएगा। एंड यस, प्लेसमेंट देखते हैं, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर डिसाइडिंग अ कॉलेज। सो यहाँ पर अगर हम देखें 900 प्लस ऑफर एवरी ईयर आता है, तो 1.1K स्टूडेंट है यहाँ पर, मतलब 1,100 स्टूडेंट है और 900 ऑफर्स आ रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग। 200 से ज्यादा कंपनी यहाँ पर विजिट कर रहे हैं हर साल, एंड 4.5 लाख एवरेज पैकेज है इस कॉलेज का। अगेन दिस इज अ वेरी गुड थिंग, 4.5 लाख अगर एवरेज पैकेज जा रहा है, दिस इज अ गुड थिंग। और ये जो है ये कंप्यूटर ब्रांच का नहीं है, ओवरऑल कॉलेज का है, लाइक मैकेनिकल सिविल। तो अगर आप देखोगे कि कंप्यूटर का ही अगर आप एवरेज देखने जाओगे तो वो बढ़ जाएगा थोड़ा। सो यस, देखें हम हाइस्ट पैकेज 16.4 लाख गए फ्रॉम मार्वल सेमीकंडक्टर, अमेजोन से गया 14.5 लाख, एक्स्ट्रा मार्क से गया 12.4 लाख, बायजू से आपका 12 लाख गया, कैपजेमिनी से 6.8 लाख, एक्सेंचर से 6.5 लाख, एंड यस कैपजेमिनी से आपका 150 प्लस ऑफर आया। एवरेज यहाँ पर 3.8 से 6.8 लाख हमें देखने मिला है, 70 प्लस ऑफर आया एक्सेंचर से, 60 प्लस आया टीसीएस से। तो ये सारे जो है ये आपके मास रिक्रूटर्स हैं, तो इसके लिए यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि जो स्टूडेंट्स है वो ज्यादा प्लेस होते हैं। एंड बिल्ला सॉफ्ट से 50 प्लस, L&T से 50 प्लस, कॉग्निजेंट 40 प्लस, अगेन दिस आर लाइक मास रिक्रूटर्स। HCL से 64 प्लस, बायजूस से 30 प्लस ऑफर्स आया, स्टूडेंट प्लेस एट अ पैकेज ऑफ 10 लाख, विच इज अ गुड थिंग। और बायजूस का आपको पता है वर्क कल्चर क्या है कैसा है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बट एनी वे, DXC टेक्नोलॉजी से 20 प्लस ऑफर आया एंड स्टूडेंट प्लेस हुआ है इस कंपनी में विथ अ पैकेज ऑफ 3.6 लाख। एंड आगे बढ़ते हैं हम गाइस, प्लानेट पार्क से आया 20 प्लस पैकेज एंड 7.6 लाख का यहाँ पर गया हायर। एंड ये कंपनी है कोई आई डोंट नो, यहाँ पर 20 प्लस स्टूडेंट प्लेस हुए विद अ पैकेज ऑफ 5 लाख। सो यस, ये था प्लेसमेंट गाइस। ऑलमोस्ट आपको जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे प्लेसमेंट के रिगार्डिंग वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं रिक्रूटर्स कि कौन कौन से कंपनी यहाँ पर आते फॉर रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सारे हैं प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स ऑफ दिस कॉलेज, एक्सेंचर, अमेजोन, जियो, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट, टॉपर, जस्ट डायल। तो ये सारे हैं गाइस, अगर आपको और डिटेल में जानना है यू कैन पॉज एंड वॉच ऑल द कंपनीज। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज क्या आपको प्रोवाइड कर रहा है कॉलेज, तो आपको जिम देखने मिलेगा इस कॉलेज में, कैंटीन है, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, स्पोर्ट फैसिलिटीज में आपको बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, टेबल टेनिस एंड वॉलीबॉल कोर्ट एंड बिलार्ड टेबल, ये सारे जो है स्पोर्ट्स फैसिलिटीज में आपको देखने मिलेंगे। अगेन अ गुड थिंग, बिकॉज मुंबई के कॉलेज के अगर आप रिव्यू देखोगे तो आपको ये सारे चीजें देखने नहीं मिलेंगे। सो स्पोर्ट्स वाइज जो है कॉलेज काफी अच्छे फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कर रहा है। एंड दिस आर सम फोटोज ऑफ द कॉलेज गाइज, यू कैन वॉच कि वो था आपका लैब फैसिलिटीज, दिस आर ऑल्सो लैब, ऑडिटोरियम, दिस इज हाउ योर कॉलेज विल लुक, एंट्रेंस गेट, and this is your classroom. And yes, this were infrastructure and facilities. अब lab facilities देखना है, important है, क्योंकि almost हर दिन आप एक ना एक lab में तो जाओगे ही कॉलेज में। तो lab में अगर हम देखें तो computer lab आपको देखने मिलेगा, language lab, computer center with 300 new Apple devices. Yes, photo में हमने देखा था कि Mac devices थे वहाँ पर, cyber security lab, mathematical lab, Unix and Linux lab, प्रोजेक्ट लैब, नेटवर्किंग लैब, कंप्यूटर एप्लीकेशन लैब, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लैब। तो बेसिकली जो भी आपको इंपॉर्टेंट लैब है कंप्यूटर रिलेटेड वो सारे आपको देखने मिलेंगे, एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लैब भी आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। सो यस, दिस वेर लैब फैसिलिटीज गाइज। हॉस्टल फैसिलिटीज की अगर हम बात करें तो ऐसा आपको हॉस्टल दिखेगा, एंड बॉयज हॉस्टल्स यहाँ पर अगर हम देखें तो नंबर ऑफ बेड्स है 225, शेयर्ड रूम्स भी यहाँ पर, इन कैंपस हॉस्टल भी है। गर्ल्स हॉस्टल अगर हम देखें तो नंबर ऑफ बेड्स आर 306, शेयर्ड रूम एंड ऑफ कैंपस भी आपको मिलेगा कि अगर इन कैंपस हॉस्टल फुल हो गए तो आपको कॉलेज के बाहर भी वो लोग हॉस्टल प्रोवाइड करवा देंगे। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अगर हम देखें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आप अगर तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अगर हम देखें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स है गाइज। अगेन ये बताने की जरूरत नहीं, काफी बेसिक है, यू कैन पॉज एंड वॉच। एंड ये सारे डॉक्यूमेंट्स के आपको टोटल 4 कलर पासपोर्ट फोटोज लगेंगे एंड ओरिजिनल प्लस 2 जेरोक्स, 2 सेट फोटोकॉपी।
तो ये सारे आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अगर आपको फिक्स हो गया है कि ये कॉलेज में ही हमें लेना है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके जा सकते हो। इससे होगा ये कि आपको फिर से डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए यहाँ वहाँ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रैवल आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके चले जाओगे तो आपको एडमिशन वहाँ पर इजीली हो जाएगा। सो यस, दिस वॉज रिव्यू ऑफ दिस कॉलेज। अगर मुझे आप अपना ओपिनियन पूछोगे तो यही कॉलेज जो है, यही GH रायसोनी कॉलेज, ये पुणे में भी आपका लोकेटेड है, राइट? मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पर। सो यस, ये वागोली पुणे में भी लोकेटेड है। एंड यस, मैं आपको यही कहूँगा कि आप पुणे वाले कॉलेज का भी रिव्यू देख लो, जो कि मैं बना दूंगा, एंड उसका जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, या तो आप सर्च भी करोगे तो आपको मिल जाएगा। सो यस, वो आप देख सकते हो। एंड एनीवेज, कट ऑफ वाइज, प्लेसमेंट वाइज ये कॉलेज काफी अच्छा है। एक दिक्कत आपको आ सकता है कि जो कॉलेज में 1000+ स्टूडेंट चले जाते हैं, उसमें प्लेसमेंट पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आपको अच्छा प्लेसमेंट चाहिए, लाइक अबाउ 10 या 10 के रेंज में, तो आपको काफी हार्डवर्क करना पड़ेगा, एंड आपका CGPA सब काफी अच्छा होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा एक दिक्कत हो जाता है। इंटर्नशिप ये सारी चीजें में भी काफी तकलीफ होता है, क्योंकि मेरा एक दोस्त जो कि ऐसे ही एक कॉलेज में, जहां पर स्टूडेंट्स काफी ज्यादा है, तो कंपटीशन काफी बढ़ जाता है। तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉडाउन है कि 1000+ स्टूडेंट्स है। बाकी और टर्म्स में अगर हम देखें, दिस कॉलेज इज वेरी गुड। सो यस गाइस, दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड डू सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में गाइस। बाय।